सुप्रभात बच्चों, आज मैं तुम्हें छठी कक्षा में संस्कृत के पहला पाठ, प्रथम पाठ है, उसका अनुवाद और उसका अभ्यास करवाऊँ। इसको ध्यान से सुनना और फिर दोहराएगा। प्रथम है पाठ है, पहला पाठ, शब्द परिचय। एष है क्या है, यह है क्या है, ये यहाँ पर चित्र बना हुआ है उसके लिए पूछा गया है। एष है चषके है, यह ग्लास है। किम एष है, बृहत, क्या यह बड़ा है, नहीं एष है लघु, यह छोटा है। सह है कह है, वह कौन है, सह का मीनिंग होता है वह, और पुल्लिंग में सह है सौची, कह है सौची, क्या होता है दर्जी, वह दर्जी है। सौची क्या है, किम करोति, दर्जी क्या करता है, किम का मीनिंग होता है क्या। किम सह खेलती, क्या वह खेलता है, नहीं सह वह वस्त्रम सीव्यति, वस्त्र सिलता है, कपड़े सिलता है। सीव्यति का मीनिंग होता है सिलना। ये हमारा लट लकार है, प्रथम पुरुष एकवचन। अब ये दो कुत्ते दिखाए गए हैं, तो पूछे एतौ कौ, ये दोनों कौन है। एतौ ये दोनों शुनकौ, दो कुत्ते स्तः हैं। ये द्विवचन है हमारे, तो यहाँ धातु रूप भी हमारा द्विवचन में आएगा, प्रथम पुरुष लट लकार है, अस धातु है ये हमारे। किम एतौ गर्जते हैं, क्या ये दोनों गरजते हैं, नहीं एतौ ये दोनों उच्चैः भुक्कते हैं, जोर जोर से भोंकते हैं। यहाँ भुक्कते हैं हमारी द्विवचन है प्रथम पुरुष के अंदर। त्वौ तौ कौ, वे दोनों कौन हैं। तौ बलिवर्धौ स्तः, बलिवर्धौ होते हैं बैल, और दो, तो ये द्विवचन है हमारा प्रथमा विभक्ति में, वे दोनों बैल हैं। किम तौ धावते हैं, क्या वे दोनों दौड़ते हैं, नहीं तौ क्षेत्रम फर्शते हैं, क्षेत्रम होते खेत, कर्षते मतलब हल चलाना, नहीं वे दोनों खेत को जोत रहे हैं या खेत में हल चला रहे हैं। आगे हैं, ये देखो यहाँ पर बैग बने हुए हैं, थैली बोलते हैं हिंदी में। एते के, ये सब क्या है, ये हमारा बहुवचन। एते स्यूता संति, अस्ति स्तः संति, ये हमारी प्रथम पुरुष बहुवचन है। ये सब स्यूता थैले संति हैं। किम एते हरितवर्णाः, क्या ये हरे रंग के हैं, नहीं एते नीलवर्णाः संति, ये सभी नीले रंग के हैं। किस रंग के हैं, नीले रंग के। ते के, वे सभी कौन हैं। सह तौ ते, ये हमारा तद में पुल्लिंग के अंदर प्रथमा विभक्ति है, वे सभी कौन हैं। ते वृद्धाः सन्ति, वे बुजुर्ग हैं, वे सभी बुजुर्ग हैं। किम ते गायन्ति, क्या वे गाना गाते हैं, नहीं ते हसन्ति, वे हंस रहे, नहीं वे सब हंस रहे हैं। अब हम अभ्यास करेंगे इसका। पहला प्रश्न है हमारा, उच्चारणम कुरुत, बोलना है हमने केवल शब्दों को। छात्र है, गजय है, घटे है, शिक्षक है, मकर है, दीपक है, ये सभी एक वचन है। मयूर है, विडाले है, अश्व है, शुक है, मूषक है, चंद्र है, बालक है, चालक है, गायक है, ये सभी हमारे अकारांत पुल्लिंग शब्द हैं। जैसे छात्र के रूप बनेंगे वैसे ही इन सब के रूप बनेंगे। अब हम एक से 15 कर सकते हैं, एक अगर हम अच्छी तरह से कर लें तो हम 15 शब्द रूप कर सकते हैं, इसी से सेम आएंगे सबके। हाँ, बस तृतीय विभक्ति एक वचन में जिस शब्द रूप के अंदर रे या शय है वहाँ अणय हो जाएगा, और ऐसे षष्ठी विभक्ति बहुवचन में भी वहाँ पर अणय हो जाएगा। जैसे छात्रा नाम हो, तो देवा नाम होता है, अगर छात्र है क्योंकि रे आ रहा है इसमें, तो वहाँ छात्रा नाम हो जाएगा। रामेण राम है तो रामा नाम हो जाएगा, ऐसे ही रामेण हो जाएगा तृतीय विभक्ति में एक वचन। अब है चित्राणी दृष्ट्वा पदानी उच्चारित,
चित्रों को देखकर शब्दों का उच्चारण करो। ये किसान है, कृषक है, ये बैल है, वृषभ है, भल्लुक है, भालू, मंडूक है, मेंढक, कपोत है, कबूतर, प्रियंक है, पलंग, दूरभाष है, टेलीफोन, काक है, कौआ, सौचिक है, दर्जी। अब हमारा अगला प्रश्न है, वर्ण संयोजनेन पदम लिखन, शब्दों को जोड़ अक्षरों को जोड़कर शब्द बनाएं, शब्द लिखिए। इन अक्षरों को जोड़ने से जो शब्द आ रहा है हमें वो लिखना है। एक इसने उदाहरण करके दिखा रखा है इनमें बुक में, च जमा अ जमा श जमा अ जमा क जमा अ, च और अ, च ऐसे हो जाएगा ये, श जमा अ श और क जमा अ क, तो क्या बना, चषक। अगला है स जमा औ जमा च जमा ई जमा के जमा अ, सौचिक है, श जमा उ शु, न जमा अ न, क जमा औ कौ शुन कौ, ध जमा आ धा, व जमा अ व, त जमा अह तह धावत है। अगला है व जमा रि व्रि, द जमा ध जमा आ वृद्धा वृद्धा, ग जमा आ ग गा, य जमा अ य, न जमा त जमा ई इन्ति गायन्ति। अब है ख भाग, पहले प्रश्न सब दूसरे प्रश्न का ख भाग। अब इसमें लिखा है कि पदानाम वर्ण विच्छेदम प्रदर्शयत, जो शब्द दे रखे हैं उनके हमने टुकड़े करने, उनके वर्ण अलग अलग करने, वर्ण विच्छेद करना है हमने। उदाहरण दे रखा है, यथा लघु ल जमा अ जमा घ जमा उ हु, तो लघु हु सीव्यति, स को बड़ी ई है स जमा ई, व आधा है व जमा य जमा अ जमा त जमा ई, त को ई है तो ये त को ई हो जाएगा, तो सीव्यति वर्णाः, व जमा अ जमा र जमा न जमा आह वर्णाः, कुकुरौ, क को उ आधा के, फिर के जमा उ र जमा औ कुकुरौ, मयूराः, मैं जमा म जमा अ, य जमा उ जमा र जमा आह मयूराः, बालक है ब जमा आ जमा ल जमा ए जमा के जमा ए बाल के है। अगला है हमारा प्रश्न तीसरा, उदाहरणम दृष्ट्वा रिक्त स्थानानि पूर्य, उदाहरण को देखकर खाली स्थानों को भरिए। एक हमारे पास दे रखा है चषक है, चषकौ चषका, बाकी ये जो भी दे रखे हैं जो ऊपर वाले शब्द के रूप हैं उसी तरह से इनके बनेंगे। हमें बीच में बलि वर्दौ दे रखा है, द्विवचन दे रखा है, तो हमने एक वचन और बहुवचन लिखना है। तो जैसे चषक है ऐसे बलिवर्द है और यहाँ पर आ जाएगा बलिवर्दाहा, तो बलिवर्द है बलिवर्दौ बलिवर्दाहा। फिर है शुनक है दे रखा है, सेम चलेंगे शुनकौ शुनकाहा। मृग है मृगौ मृगाहा। सौचिक है सौचिकौ सौचिकाहा। मयूर है मयूरौ मयूराहा। अब है जो ये चित्र दे रखे हैं, चित्राणी दृष्ट्वा संस्कृत पदानि लिखत, चित्रों को देखकर संस्कृत में लिखना है इन शब्दों इनके नाम। यह हाथी है गज है, ये कौआ है काक है, ये चांद है चंद्र है। फिर है ये ताला दे रखा है ताल है, भालू भल्लू के है, बिल्ली है बिला विडाल है। अब है चित्रम दृष्ट्वा उत्तरम लिखन, प्रश्न दे रखे हैं और हमने चित्र को देखकर उत्तर देना। एक एक उदाहरण दे रखा है, बालक है किम करोति, बच्चा क्या करता है या क्या कर रहा है,
बाल क्या है, पढ़ती बालक पढ़ रहा है। तब ये दो घोड़े दिखा रखे हैं, प्रश्न पूछा अश्वौ किम कुरुते है। अश्व भी हमारा द्विवचन है और कुरुते भी हमारा द्विवचन है। दोनों घोड़े क्या कर रहे हैं? अश्वौ धावते है, दोनों घोड़े दौड़ रहे हैं। धावती धावते है, ये हमारा द्विवचन है। अब है कुत्ते दो से अधिक दे रखे हैं, बहुवचन है ये। कुकुराह किम कुरवंती, कुकुराह कुकुरे है, कुकुरऊ कुकुराह, ये हमारा बहुवचन है। ये सभी कुत्ते क्या कर रहे हैं? कुकुराह बुकंती, कुत्ते भौंक रहे हैं। अब ये दो दिखा रखे हैं छात्र, छात्रौ किम कुरुते है, दोनों छात्र क्या कर रहे हैं? छात्रौ गायते है, दोनों छात्र गा रहे हैं। अगला है तस्वीर में किसान और दो बैल दिखा रखे हैं, प्रश्न पूछा है कृषके है किम करोति, किसान क्या कर रहा है। ये एक वचन है, कृषके है कर्षति, किसान क्या कर रहा है, खेत में हल चला रहा है। दो हाथी दे रखे हैं, गजौ किम कुरुते है, दोनों हाथी क्या कर रहे हैं? गजौ चलते हैं, दोनों हाथी चल रहे हैं। अब छठा प्रश्न है, पदानि संयोज्य वाक्यानि रचित, दोनों बॉक्स में दिए गए शब्दों को जोड़कर वाक्य बनाने हैं हमने। गजाहा हाथी क्या करते हैं? चलंती, बहुवचन है ये गजा भी और चलंती भी। सिंघौ शेर क्या करते हैं? गर्जते हैं, दो शेर हैं, सिंह है सिंघौ सिंघा, तो ये द्विवचन है, गर्जते हैं, इसके साथ द्विवचन ही आएगा। गायक है एक वचन है, गायती, गायक गाना गाता है या गायक गाता है। बालकौ ये बहुवचन है हमारा, बालकौ पठते, सॉरी हाँ द्विवचन है बालकौ, बालक है बालकौ बालका, हाँ तो ये द्विवचन है, बालकौ पठते है, दोनों बालक पढ़ रहे हैं। मयूराह ये हमारा बहुवचन है, नृत्यंती मयूराह नृत्यंती। अब हमारा प्रश्न नंबर 7, मंजूषाते पदम चित्वा रिक्त स्थानानि पूर्य, बॉक्स में से शब्दों को